राम जी सबने, हम है संदेड़ी के नाम से, सिंधुआ सिंधुआ वीरानी के नाम से, और रुक रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर है, ले पकड़ और ये जावांगे हमें करजत। आज देख, आज तो पहुंचे जावांगे, 8.5 घंटे का रास्ता है, कवर कर दिया यहाँ से। आज में परसों जाले थे, मोबाइल में मैप लग रहा है, मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र, तीन राज्य कंप्लीट कर चुके, तीसरे राज्य आ चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, और यहां से जाएंगे दुले, दुले से नासिक, नासिक से करजत। ये हमारा किटू साहब बैठा है आगे, ये अपन हमको बता रहा है कहां जाना है। हैं किटू, है ना? हाँ कर दे लॉक है। हाँ, मज़े ले रहा, मज़े सबसे ज़्यादा ट्रिप के मज़े क्यूटू ने लिए। ये देखो महाराष्ट्र में घुसते ही पहाड़ी पहाड़, बंजर एरिया स्टार्ट हो चुका है। लंबी ट्रिप पे आगे देखने वाला पॉइंट ये भी है कि पेट्रोल का प्राइस का है। ये है मुंबई टू आगरा नेशनल हाईवे NH-52, यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं मुंबई। हमारा है आज तीसरा दिन, रात को स्टे करते हैं, दिन में चलते हैं। दौड़ दौड़ दौड़, ये देखिए पहाड़ों से होते हुए हम जा रहे हैं मुंबई। साइड में भी पहाड़ है, इस साइड में भी पहाड़ है। एक और आ गया, ब्रेकर ही ब्रेकर बना रखे हैं, इतने ही ब्रेकर क्या बनाने, क्या दूध है क्या? अरे ऊपर बैठे अड़े अड़े मांगा है, अरे तो देंगे इतना। सावधान, ले गया। क्यों ट्रक पलट गया? ओहो, तो ऐसे ही थोड़ा वो लगा दुर्घटना संभावना क्षेत्र। भाई साहब ट्रक पलटा, कैसे पलटे हुए हैं? जय हो प्रभु। हाईवे मस्त बना रखा है। ले जी नासिक है 237, पुणे है 82, शिरडी है 200। धुले आपका स्वागत करती है, अभी हम जा रहे हैं धुले की साइड। टोल स्टार्ट हो चुका है, ये मेरे ख्याल से 14वां 15वां होगा। एक और ट्रक पलटा हुआ है, ये देख क्या आलू आलू थे, आलू आलू का ट्रक पलट गया भैया। ये क्या है, टोल है? अच्छा और है लग गया, ट्रक आड़ा कटता होगा क्यों ना क्यों। अच्छा कांटा है, कांटा है, कांटा कौन सा, कितना टन है? वह रास्ते में ही रोक दी, बराबर है तो आ तो कुछ नहीं, सीधा आ जाते जी। एक और टोल आ गया, 14वां 15वां महाराष्ट्र बॉर्डर धुले हाईवे। निकल गए पेड
लगा रखे हैं भी समय दे एंड ही लगते नहीं, ये बढ़िया काम कर रखे है। सिर्फ दो चीज होंगे ना, जी एक और टोल आ गया होगा मेरे ख्याल से 16-17 माह तो होगा। हम तो गिनता है गिनना है भूल गया कौन सा बार टकरे थे ये भरा कौन सा है गाइस, हमें कमेंट करके बताइएगा हमने कितने टोल क्रॉस कर लिए। जो पूरी वीडियो देखेगा एक बार जरूर बताएं कि हमने कितने टोल क्रॉस किए। सीधा है इधर उधर कर दो नीचे कर दो आजा भाई गो। एक और टोल आ गया ये होगा शायद 16-17 या 17-18 इनका बताई दियो तेरी ब्रेकर का सूत्र बना रखे हैं। स्टॉप चलो कैमरा कुमरा क्यों है कुछ पीछे कर थोड़ी इतना टाइम क्या कर रहे मित्र नहीं हो रहा बड़ा तो जलती हो यार इतनी वार लाई दी बटिया ने पीछे कौन कटे नक नकली बंदा भी ठहर गया है पीछे वाले पोपो कर दे उसमें लिखा है एग्जम्प्ट व्हीकल को एग्जम्प्ट किया जाता है ना कटे तो होंगे मेरे ख्याल से तो नहीं कटे वो कटे भी ना छोड़ दे कोई एग्जम्प्ट नहीं नहीं वो एक दो से लाइन लगती ना लगती पीछे एकदम सारी उसके सिर पे चढ़ जाओ कोई तो किला है धुले में धुले तो क्रॉस कर चुके हैं धुले के बाद टोल के बाद कौन सा किला है गाइस एक बार कमेंट करके बताइए। बड़ी इतना भूख लगी खाली खाली ले ना रोटी खाले खाले बस ये काम कर ले जाने का रास्ता है किले में ये हमारे किटू जी चिल्ला रहे हैं खाना नहीं खुंदा भूख रहे हैं ले कागा जी अभी हम रुके हैं कृष्णा होटल बहुत ही बड़ा होटल है लग रहा है ले भाई किटू किटू की फोटो लेंगे यहाँ पे
यहाँ पे चाय वगैरह पी के फिर चलते हैं वापस। होटल अच्छा दिख रहा है। डर गया। यहाँ पे बैठो और सेल्फी ले लो। अच्छा बनाया हुआ है, पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन, एसी, ऑल। इधर ही बैठ जाओ, खाट पे बैठो, खाट भी लगा रखी है। अरे वाह, किटू तेरा खटोला। लॉक कर दो, लॉक कर देता हूँ, आ जा। देखो पालना भी है और यहाँ पे कूदने के लिए भी है। क्यों तो डर रहा है, डरपोक। गाइस यहाँ पर आओ तो बहुत ही मजे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो होटल कृष्णा बता दिया था मैं। ये देखो यहाँ पर झूले हैं, ये देखो बच्चों के बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी को आना चाहिए एक बार तो, अगर मुंबई जा रहे हैं तो। इस हाईवे से होते हुए अगर आप निकल रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ का खाना भी अच्छा है और यहाँ पे झूले भी हैं। ये कृष्ण जी से इंस्पायर्ड है कि बच्चे के लिए कि खेलने कूदने के। होटल का नाम भी कृष्णा है। हाँ, कि कृष्ण जी खेलने कूदने में थे ना नटखट से, तो कि मतलब ये नटखट सा ऐसे बना रखा है कि बच्चों के लिए भी कृष्ण के उससे। ये सच में पहले बार देखा है तुमने शेड्यूल पार्क के कहीं। प्योर वेज है, प्योर वेज, ये बढ़िया है। अच्छा निकल। चल इसमें ऊपर जाए। देख किटू तेरे पापा आवा गुरड़दा। जुड़ना है और क्या करना है। देख किटू सीधा नीचा है। ले चाची आई है, बैठ बैठ इस साइड इस साइड। रोना ओ देखो देख तेरी मम्मी क्या कर रही। नहीं वो उसको मैं पकड़ नहीं नहीं है, इन्हें दोनों काने तो पकड़ है। फंस गया, फंसा नहीं है। हाँ चल पड़ा चल पड़ा। अरे स्पीड से कर, जल्दी करियो। हां भगा 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 भगा, तेज। वहां से, हाँ वहां से। देख पहाड़े पहाड़, उस साइड में भी पहाड़। बारिश आया बहुत सारा, पूरा ग्रीन हो जाएगा। इपे तो इन दिखे बारिश आई और ये इतना ग्रीन दिखेगा, मजा आ जाएगा। हे टोल हम आ चुके, कैमा टोल है तो के खाली मिले है। हाँ टीम को लगता है कैमा यो 18-19 होगा, गिनना ही भूल के कैमरा कितने आ रही गिन के करा भी के खाली पड़े हैं सारे। चल 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 खुल गया। गो बेबी गो। एक तो बटन ब्रेक करके बाहर के, मतलब टोल पर ब्रेक करा के काम
उन्होंने को नहीं बनाए रखे, अलग से बनाए रखे कट्टा है कुकर। असल में उसे कटवा के लेने पड़ेंगे, अब एक कट करते दे पुरानी के ओड़े पीले हैं ओड़े पीले हैं तोड़ नहीं हुए तोड़ करके खत्म कर खत्म कर ऐसा ही है मेरे पेट के राम थे भी स्वाद नासिक 59 बात कर रहा है तो नासिक रह गया 37 किलोमीटर टोल आ गया क्या नया टोल आएगा अभी नासिक वाला एक और टोल आ गया 19वां 20वां टोल आ गया मालेगांव मालेगांव है नासिक मालेगांव तो पार कर लिया शायद ओह ताई बैठी है हाँ ताई पीएनजी टोलवे वरना कुछ है नहीं राम ले हुए हैं देखो शोर शराबा करे तो आजा भाई पुलिस वाले एक्सीडेंट हुआ है देख शीशा फूटा पड़े इसका अच्छी खासी स्पीड में देख गाड़ी कच्ची दूसरी गाड़ी क्या लगी है टूकी है देख उसका लगी है इसका कुछ नहीं फर्क पड़े इसका क्या फर्क पड़ता लोहा था लोहा में ठोक दी नुकी नु कुछ ब्रेक हुआ क्या होगा ना गाड़ी जैसे अपनी भी थोड़ी स्पीड में थी हां एक आगे ये भी तो गियर रखे हैं एकदम से ये हो रहा है टोल आ गया है ये शायद 19वां 20वां होगा या 20वां 21वां हमको भी नहीं पता देखिए छोटे छोटे टोल है तो कि मैं रोड नहीं राड बैठे हुआ लग रही है ना भाई ये हिमली बेच है कच्ची वाली नहीं ले ले की क्या कर कच्ची वाली सच्ची कच्ची इमली ना के क्या कर रहे हैं खाया कर रहे हैं हाँ खाया का तो कौन देखी करते कच्ची इमली खाई लेंदे और का टेस्ट तो कर नई चीज चलो अगले पे देखते हैं 10 रुपए का देगा ये 5000 रुपए और वो खीरा कैट के देव से खीरा कैट करने बेचन लग रही है आराम से कपिल शर्मा की खाली था नया नया आया था मेरा एक दोस्त बोला बुला लो जी पहाड़ों से होते हुए हम पता है अभी कौन से रास्ते पे है कौन से नासिक वाले पे है नासिक मुंबई तो हाँ तो याद है जब इससे शिरडी से और फिर यहाँ गए थे हम लोग महाकालेश्वर वही रास्ता है क्या उसके बाद फिर वो छोटा सा रास्ता था और फिर हाईवे पे चढ़े थे ये वो रास्ता है अच्छा वो खाई खाई क्या पीछे भी देख गाड़ी ठोक देख दे दिखता है कोनी की में ओ कड़ा चढ़ा रखा ओ ट्रक के कोनी रुकया देख सासी ओ ट्रक कोनी रुकया सीधा चढ़ा दिया ऊपर जिसने भी करा ठीक दिमाग वाला काम करा इनके सब ब्रेक फेल हो गया हां बढ़िया काम है ब्रेक फेल हो गया तो सीधा ही ले गया अच्छा चल चल रुक क्या ना
कोई पाँच साठ ठोक दिया खाम खाई साइड में कब्जा साइड में तो है अंगूर खत्म हो गए कल अगले तो खा ली कोई क्या खा ली मैंने व्लॉग बना दे पराठे खाए दोनों ने चाय पी हैं अभी सेब खाया था क्या करें अब रखे हैं तो रखे रखे खराब हो जाओ अंगूर तो मंदिर भी लगाता है चल्ला ये तो यही करता है अंगूर निकालो अंगूर इसके अंगूर ही फेवरेट पलड़े पलड़े खराब गए इसके इसकी नजर अंगूर पे ही रहती है देख पता है क्या हम चीजें को खराब नहीं करना चाहते नहीं फ्रूट है तो ये बात बोल लिए चीजें खराब चिप्स भी रखे अगर यार चिप्स वो तो आप आपका वो है देख एक ही उतार रखे हुए जले गए ये तो अबे ये अभी तक धुआं उठ रहा है अच्छी देखा कान रुकन लग गए खोल रखा मैंने ये एरिया थोड़ा सा खतरनाक सा है तो ध्यान से चले ले भाई कर्जत की साइड जा रहे हैं और ये रोड टूटे फूटे पड़े हैं ये देखो हमारी है 69 किलोमीटर अबे यह नदी थी यह कौन थी अग है यह कौन है लागा अग है मुरबाड़ रोड लोगे तो आपको बहुत ही टूटा फूटा मिलेगा कुछ बनता हुआ मिलेगा तो कुछ कोई और रोड देखना क्योंकि ये तो बहुत ही सबसे बेस्ट यही है हैं क्या टूटा फूटे पड़े ही तो जो भी है सबसे बेस्ट यही है उन सब लोगों ने यही तो बोला कि अगर वहां से आपको मुरबाड़ आना है कर्जत जाना है तो यही बेस्ट है मैं भी कोई और रोड यूज करें है। आ गया कोया सही आवे है कोया टूटे फूटे आवे है लेकिन जो है यो है आदमी की जिंदगी की तरह उसे कभी सुख आता है कभी दुख आता है ये रोड भी वही है कहना क्या चाहते हो कभी टूटा होता है सच्ची कि ये तीन दिन से ड्राइव करते करते पगला गए हैं वाओ उठने पे दर्द हो गया है ना तो इसीलिए अजीब सी बातें कर रहे हैं वो समझने वाले समझ व्हाट अ पॉइंट अकल चाहिए इस समझ में व्हाट अ पॉइंट स्लो कर्जत है आगे कर्जत है 33 किलोमीटर दूर और अभी हम बहुत जल्दी कर्जत पहुंच जाएंगे कैसा लग रहा है शानदार वापस आफ्टर 15 डेज चाची आपको कैसा लग रहा है चाची तो सोच रही है कि मैं वापस चली जाऊं लेकिन इतना सामान भर के लेके आई है उसका भी तो कुछ करना होगा हैं पैकेट लेकिन हमको तो दो ही चिप्स के पैकेट खिलाए अभी तक तो सारे तुम्हारे लिए थोड़े और ये अपने लिए है उसके लिए कितने दिन तक खाती रहोगी चाची 2 महीने ना 8 पैकेट है तो 2 दिन चलेंगे खिचिंग की रोड बहुत ही अच्छा है इस भाई का पेट्रोल खत्म हो गया तो दूसरा भाई उसको पेट्रोल दे रहा है देखो रोड कैसे है खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो सकते हैं ये देखो यहाँ से टूट के कुछ गया है मतलब एक्सीडेंट हुआ है कृपया धीरे चले यहाँ से होते हुए ये मुरबाड़ से होते हुए कर्जत की साइड जाते हुए रोड है बहुत ही अच्छा रोड बनाया हुआ है सोचा।
गाइस अभी हम कसेले पहुंच चुके हैं नियर बाई करजत। तो अभी हम यहाँ पे एक ढाबा ढूंढ रहे हैं, उस ढाबे पे खाना खाएंगे। सुबह से हमने खाना नहीं खाया, ओनली क्या खाया, नाश्ता किया, बीच में फ्रूट वगैरह खाए, पानी पिया। और हम अभी टाइम हुआ है, टाइम कितना हो गया, 3:30 से ऊपर हो गया, नियर बाई 4 बज चुके हैं। और अभी हम करजत के पास पहुंच चुके हैं, बहुत टाइम लग गया हमको। 1 तारीख को चले थे और आज है 3 तारीख। लो जी हमने गाड़ी पार्क कर दी है और कसेले की साइड से आते हुए, करजत जाते हुए ये निसर्ग ढाबा आता है और यहाँ पे अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं। अच्छा खाना बताया गया है, देखते हैं खा के कैसा है। किटू बोल बोल। हम नियर बाई करजत पहुंच चुके हैं और अभी हम खाना खा रहे हैं। देखो देख खाना खा रहे हैं, अभी हमने खाने का ऑर्डर दिया है और अभी थोड़ी देर में हम करजत पहुंच जाएंगे। क्यों किटू पहुंच जाएंगे ना, है ना। हाँ बर देखो होटल के अंदर का व्यू, यहाँ पे सब चीज मिलती है। वाह लो जी चल पड़े हम खाना खा के किधर, किटू करजत मटका भी लेना है, करजत चल पड़े करजत वैसे बाइक से ले आएंगे। करजत की मार्केट में गाड़ी लेकर जाने का तो कोई दिक्कत नहीं, अब पास में ही तो है। क्या चीज करजत की मार्केट, दिक्कत जाने है, दिक्कत वहां पे गाड़ी भरने की है, इतनी छोटी नहीं है वो, यहां पे तुम गाड़ी पार्क कर। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं देखो करजत में, करजत के दही वली में पहुंच चुके हैं। देखो ये हमारी गली, यहाँ से होते हुए अभी हम जाएंगे घर। ये देखिए ये वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से किचन ऐसे ही पड़ा है, घर ऐसे ही है, तो अब हम लोग जाएंगे कोल्ड कॉफी पियेंगे, गर्मी बहुत हो रही है, या हम लस्सी भी पी सकते हैं ठंडी ठंडी। आपको हम बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में हमने क्या पिया। हम अभी करजत में पहुंच चुके हैं और अभी हम अभी शॉप पे कुछ सामान लेने जा रहे हैं जी। अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर, यहाँ से होते हुए अभी लेफ्ट में जाएंगे, घर का मत दिखाना। ये लो पहुंच गए, घर पहुंच गए चाचा जी। बढ़िया शानदार, इतनी मेहनत के बाद पहुंचे, वो तो सही है मेहनत के बाद पहुंचे, लेकिन उरे उरे सीधी नहीं, इसके पीछे नहीं आएगी, एक बार सीधी चला दे बेहतरी। ओले बितरान गाइस वी फाइनली रीच द होम एट होम। ये देखो फाइनली पहुंच गए, ये मेरा तुम्हारा, ये देखो पूरा सामान ढक दिया, बहुत सामान था गाड़ी में, चाचा का, चाची का, मेरा, क्यूटू का। ओहो पसीने आ गए, गर्मी हो रखी है फुल फुल स्पीड से, पंखे चल रहे हैं लेकिन गर्मी लग रही है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पहले थोड़ा नहा धो ले उसके बाद बात करेंगे आपसे।